गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। इसमें बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और बाद में फिर अदर अपकमिंग क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके जो जनरेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो भी बेसिक होता है सब लोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईटी एंड एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट क्यों, इसका नाम क्यों पढ़ाइए, बताओ कोई भी आप में से, एनीवन ऑनलाइन ऑफलाइन में से कोई भी, इस सब्जेक्ट का नाम आईटी एंड एप्लीकेशन क्यों है, उसको रीजन होगा सब्जेक्ट का, बताओ सर, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ना है। तो सब्जेक्ट जैसे हर सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो आईटी मतलब क्या होता है, ये पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, जनरली जो हम लोग बीसीए या भी कंप्यूटर फील्ड से है वो सारा आईटी के अंदर आता है। आईटी के अंदर एक बेसिक फाउंडेशन के लिए हम लोग आईटी पढ़ते हैं, इसमें की बेसिक चीजें कंप्यूटर के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, जो बेसिक चीजें होती वो हम पढ़ने वाले, उसी के एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले बेसिकली, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनेट क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, सारे क्या है, आईटी का ही पार्ट है ना, तो उसी का एक फाउंडेशन बेसिक नॉलेज हम लोग देखने वाले हैं, और इसी को फिर फर्दर अपकमिंग सेमेस्टर्स में आप उसको इनलार्ज करते जाओगे, जैसे फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स पढ़ोगे, बेसिकली फंडामेंटल जो है नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाएगा सबके बारे में, ताकि जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो आपको ये समझ में, ये आपको डाउट ना हो कि हाँ ये ओएस क्या होता है, या फिर हार्डवेयर क्या होता है, या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का क्या काम, तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही करता हूँ आपसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। वन बाय वन हैंड रेज करेंगे, मैं उनको वन बाय वन बोलूंगा, हैंड रेज कैसे करना ये भी सीख लो, जस्ट डू लाइक दिस, नॉट दिस, ये तरीका जमाना चला गया, अब बस ऐसे करो, अपने टेबल पे ऐसे रखो कि काफी है, मैं समझ जाऊंगा। सर आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज करने का ऑप्शन है इसमें, तो वो हैंड रेज करेंगे, क्लियर है, और कैमरा ऑफ ऑन रखेंगे आप लोग, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं कैमरा ऑन रखेंगे। ओके सर, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूँ, इसको याद रखेंगे, ये नहीं कि आज अप्लाई किया कल इसको भूल गया, ऐसा नहीं, क्योंकि टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो हमेशा के लिए पढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सेमेस्टर में ही केवल काम आएगा। जैसे एबीसीडी आपने पढ़ा होगा, क्या एबीसीडी का यूज बचपन में ही था, क्या अभी नहीं है, उसके बिना आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ना कुछ लिख सकते हो, ना एग्जाम में एग्जाम देके एग्जाम पास कर सकते हो, यानी सब जगह का फाउंडेशन है आपका। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे कंप्यूटर का डेफिनेशन जानते हैं हैंड रेस करेंगे, मैं रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करूंगा, और ऑफलाइन में भी सेम कंडीशन है ना, क्योंकि मैं देखो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर का जो डेफिनेशन बोलते हैं या तो इनकम्प्लीट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं या तो पूरा जैसे पार्शियली कंप्लीट होता है, तो मैं एक्चुअली चाहता हूं कि आप जो नेक्स्ट टाइम जब भी डेफिनेशन किसी कोई भी पूछे आपसे, आप कंप्लीट डेफिनेशन, क्योंकि उसी से आपको पहचान होता है कि आप आईटी से हैं तो कितना नॉलेज आपके पास है ना। यस सर, बच्चों बताइए। यस सर। तो हैंड रेस आपने किया नहीं, समझ में आया, तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट जिनको भी कंप्यूटर का डेफिनेशन पता है सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे। डू फास्ट ऑफलाइन में, चलो मैं एक ऑफलाइन से पूछूंगा, एक ऑनलाइन से वन बाय वन, आप बताओ। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट वन ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके, हु इज सेतुराज, सेतुराज आपकी आवाज नहीं आ रही है, सेतु
बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? नाउ ऑडिबल। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इनपुट्स डाटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउट इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। नाउ एक वॉइस को मौका दिया जाएगा। यस स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक यस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट द डेटा एट इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउट इंफॉर्मेशन। मेनी टू रिजल्ट कैसा था? Very good. Now from online, Amisa Kumari. Online. Yes, sir. Sir, a computer is an electronic device that is used for information processing. The computer is derived from the Latin word which means compute. Okay. So, मतलब maximum बच्चों ने सही जवाब दिया है, definition दिया है, और जो बचपन से पढ़ते हैं वही दिया है, I think, है ना? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी देखो आपने अच्छा लगा मुझे कि आपने कम से कम एटलीस्ट 90% करेक्ट जवाब दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे केवल यही बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। दैट इज अ इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपने सारे बच्चे ने सही से जवाब दिया, तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन ये कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे है ये कोई बता सकते हैं आप में से? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? एनीवन? एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस? नाउ कंफ्यूजन बिलकर कि अभी आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक के केस में कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी तो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, तो एक्चुअली में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जगह इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं बोलते हैं? Why? और कोई आइडिया? यस बिल्कुल। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बिल्कुल ऑनलाइन स्टूडेंट्स और किसी को आइडिया है इसमें? व्हाई वी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? कोई बता सकते हो? उसको ऑन कर दो। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें जानना जरूरी है, है ना? आपने 10+2 में जो साइंस लिए होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो आपने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सब चैप्टर टॉपिक पढ़ा होगा। सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है, जैसे कहते हैं ना, एक सिंपल लैंग्वेज में जब किसी को समझाना हो जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको कैसे समझाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपसे जो पढ़ा लिखा है उसको समझाना होगा इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है। सिंपल बच्चों है कि जैसे आपने एसी करंट पढ़ा होगा, डीसी करंट पढ़ा होगा, पढ़ा है? व्हाट इज एसी? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब बट फिर उसके अंदर हम जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको कि ये चेंज होते फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें, डायरेक्ट होता है उसमें, लो वोल्टेज पे काम, इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको होगी, है ना? उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी वाला एसी करंट होता है, ऐसा सुना होगा। तो कुछ वैसा सिंपल भाषा में बात करूं तो जो पहचानने के लिए डीसी कौन सा है, जितने भी बैटरी आप देखते हो बैटरी से जो भी करंट निकलता है ना वो सारा क्या है आपका डीसी करंट होता है बैटरी से, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो आता है वो आपका एसी करंट है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सिंस जो हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डीसी करंट फ्लो होता है जनरली, तो इसके कारण उसको हम इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, और जिसमें एसी करंट पे जो काम करता है उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस करते हैं। क्लियर है? जैसे फैन हमारा क्या है,
इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है बताओ? फैन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बट व्हेन वी से मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हाई? बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। लेकिन यही फैन यदि डीसी पे, डीसी वाला फैन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डीसी फैन बोलते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, आप देखोगे ना, बहुत सारे शॉप में जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप लिखा होगा, और कहीं कहीं पे जाओगे इलेक्ट्रिकल की वो लिखा होगा, और कहीं कहीं पे जो ज्यादा होशियार दुकानदार होता है वो लिखता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसा क्यों लिखता है? आप गौर करना, कभी मार्केट जाओगे ना कुछ परचेज करने के लिए, देखना है ऐसा, किसी दुकान पे आपको दोनों लिखा होगा, किसी पे केवल इलेक्ट्रिकल्स लिखा होगा और किसी पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होगा। तो जितने भी आप देखते हो ना, आप देखोगे टीवी खरीदे जाओ, मोबाइल खरीदे जाओ, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं जो बैटरी पे काम करते हैं। और जो चीज आपका इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, जैसे आप देखने जाओगे फ्रिज, आप जाओ जो रेफ्रिजरेटर, इसको फ्रिज को ही बोलते हो, उसके बाद जो वॉशिंग मशीन हो गया आपका, तो ये सब चीजें क्या? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। पहला डिफरेंस समझ में आया? एसी डीसी का फर्क है। दूसरा चीज यदि आप पूछो सर एसी डीसी में और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे करेंगे, तो दूसरा चीज ये है वोल्टेज की बात करेंगे, तो एक वोल्टेज के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो 5 वोल्ट पे काम करता है। जैसे होता है ना मिनिमम 0, मतलब कुछ पास नहीं हो रहा है उसमें करंट, यदि 5 वोल्ट हुआ तो वो उससे करंट पास हो रहा है, ठीक है? तो एक डिफरेंस ये है। लेकिन यहाँ पे जब हम जाते हैं तो कितना वोल्ट का पढ़ते हैं बताओ? 220 वोल्ट पढ़ते हो, 440 पढ़ते हो, ऐसा पढ़ते हो, ये सारा इलेक्ट्रिकल में आता है आपका, क्लियर? थर्ड, सिंपल भाषा में यदि उसी को मैं और सिंपल बोलूं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो लो वोल्टेज पे काम करता है। इस पे काम करता है लो वोल्टेज पे काम करता है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो हाई वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है? ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, और इसी के बेस पे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक है? तो मोबाइल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक। अब एक कंफ्यूजन होता है, फिर भी कंफ्यूजन है बच्चों के बीच, अक्सर बच्चों के बीच में कंफ्यूजन, सर व्हाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जबकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसका भी आंसर है बच्चों, एक तरीका और भी कहने का, कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज करते हो, सिंपल ध्यान सुनना, जिस भी डिवाइस में आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज करते हो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ऐसे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। कंप्यूटर में आपको पता है सारा जो होता है, आप जानते हो डायोड होता है, ये सब चीजें होती है जो कि सारे लो वोल्टेज पे काम करने वाले होते हैं, तो इस कारण से भी वो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा सर इलेक्ट्रिसिटी को हम देते हैं, ये तो आप देते हो, लेकिन एक आपको पता होगा आप यूपीएस यूज करते हो, यूपीएस यूज करते हो, क्यों यूज करते हो यूपीएस? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पता है बिना रुकावट का वो पावर सप्लाई करता है। पर्पस यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ यूपीएस एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूपीएस का क्या यूज है बताओगे? यस सर, इट इज रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर व्हेन पावर कट ऑफ। और कोई बताओ, कोई सिचुएशन, किस सिचुएशन में यूपीएस हमारा हेल्प करता है, कोई बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल। और कैपेसिटी कितना होता है अप्रॉक्स बताओगे? जनरली डिपेंड करता है, ये आपके यूपीएस के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो 6 घंटे तक चला सकता है। तो वो जो आपने 6 to 8 बोले ना, वो इन्वर्टर हो गया आपका। लेकिन जो यूपीएस होता है, जो यूपीएस होता है उसका जो कैपेसिटी होता है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होता है, ज्यादा नहीं होता। अलग बात है आप बहुत हाई क्वालिटी खरीदते हो तो अलग बात, 1 घंटे हो सकता है। लेकिन यूपीएस का पर्पस वो नहीं है कि 1 घंटे तक चलाए, वैसे नहीं, उसका बस काम यही है कि यदि मान लो आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सपोज इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, और सपोज आपने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से यूज किया, उसको कनेक्ट किया हुआ, प्रॉब्लम क्या होगी? आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक बैटरी इन्वर्टर नहीं था कुछ भी, और जैसे लाइन कट हुआ वो आपका सिस्टम भी क्या हो सकता है? आप मान लीजिए आप जो भी इंपॉर्टेंट काम आधे पे वो भी खत्म, सारा मेहनत बेकार, तो उस दूसरा नुकसान ये होगा कि आपका सिस्टम खराब हो सकता है अचानक, जो होता है क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रिक्वेंसी होता है फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है उसमें,
पहला बैकलिट हो गया यहाँ पे, तो यदि लाइन कट हुआ तो ये शटडाउन जो होगा स्पेल चेक पड़ सकता है सिस्टम, एक रीजन वो भी, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते, क्या करते यूपीएस यूज करते हैं, जिसका काम है कि यदि बीच में लाइन कट भी जाए तो आपको इतना समय जरूर दे वो कि आप अपने डेटा को जो भी काम कर रहे थे, जो भी प्रोसेस कर रहे थे आप, वो थोड़ा देर के क्या हो जाएगा, आप उसे सेव करके फिर शटडाउन कर सको, नॉर्मल शटडाउन हो सके, एक्सीडेंटली ना हो, क्या हो नॉर्मल, इसीलिए हम यूपीएस यूज करते हैं। और उस यूपीएस का काम होता है, यूपीएस के अंदर बैटरी होता है बच्चों, जो लगातार उसको डीसी करंट पास करता रहता है, यूपीएस के अंदर ही बैटरी होता है जो चार्ज होके वो उसको डायरेक्टली क्या करता है, पास करते रहता है, ठीक है, चार्ज भी होता रहता है और पास भी करता है, यही क्या है आपका यूपीएस का काम होता है। और एक्चुअली में जो आपका सिस्टम है कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी डीसी करंट पे ही काम करता है, क्लियर है, कोई डाउट? तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप बहुत सारे रीजन बता सकते हो, पहली बात कि इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे आपका क्या हो गया मतलब जैसे डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सबसे बना होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लो वोल्टेज डिवाइसेस होते हैं, है? उसके अलावा बताओगे ये डीसी पे काम करता है ना, ये सब रीजन आप दे सकते हो। यस इंटीग्रेटेड सर्किट को तो हम इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं, नहीं आईसी का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में खासकर कंप्यूटर में होता है, आईसी उसका भी आता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वहां पे अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं दे सकते वहां पे, उसके लिए प्रोसेसर होता है, कुछ वहां पे कन्वर्टर होता है जो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो आईसी जहां भी यूज होगा हम करेंगे, लेकिन हमने बोला कि मोस्टली जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आईसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही है, आईसी जो चिप होता है या जो भी चीज है सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे उसमें आपने प्रोसेसर का नाम सुना हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, ठीक है, क्लियर है? नहीं वो होता है, देखिए आप मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है जो लो वोल्टेज पे काम करने वाले, आप आईसी में वोल्टेज हाई करके देखो, टाइटली देखे देखो खराब हो जाएगा, हाँ सबका देखिए आईसी का भी लेवल होता है अपना, करंट का जो है ना उसको टॉलरेंसी पावर होता है सबका, हमें हाई पावर वाले के लिए चाहिए तो हाई पावर कर लेंगे, कम पावर के लिए चाहिए तो कम पावर कर लेंगे, वो अलग चीजें होती है, बट बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो मतलब सिंपल करने का मतलब जो लो वोल्टेज पे काम करता है, जो 0 to 5 यानी 5 वोल्ट पे काम करता है वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, क्लियर है, ठीक है। अभी देखो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ोगे शायद आपको, नहीं वहां पे सिस्टम वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कि यदि 0 वोल्ट दे रहे हो तो मतलब करंट फ्लो होगा, सॉरी नहीं होगा, और 5 वोल्ट दे रहे हो तो करंट फ्लो होगा, ऐसा होता है 0-1 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में कह सकते हो कि 5 वोल्ट का मतलब हाई हो गया, हाई मतलब करंट पास होगा, 0 का मतलब लो, मतलब जो बाइंडिंग में पड़ता है ना 0-1 कुछ वैसा ही होता है, तो वहां पे कंप्यूटर में भी क्या है 0-1 के फॉर्म में काम करता है, तो वो इसी तरह से करता है, जब भी कोई सिग्नल भी पास होता है ना तो वो 5 वोल्ट का मतलब 1, 0 वोल्ट का मतलब बीच का मतलब नहीं, या तो 0 या तो 5, इस तरह का होगा, ठीक है। चलिए किसी को डाउट है बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीवन, किसी को भी? अभी मैं सबसे पूछूंगा सर, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा देखिए, एंड व्हाट विल बी द कंप्लीट डेफिनेशन, बहुत लोगों ने बोला सही है इनपुट आउटपुट, लेकिन थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड को हाई करना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना, ठीक है, स्टैंडर्ड हाई क्या करना है हमें कि डेफिनेशन को थोड़ा सा कंप्लीट करना, इनपुट देंगे ऑब्वियसली इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट देगा ही, उसमें कुछ स्टोरेज भी होता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that converts raw data into meaningful information with a speed and accuracy. Note down करना, note down कर लीजिए आप लोग सारे बच्चे, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ definition आपको बहुत जगह बहुत तरह से मिलेंगे, लेकिन basically जो है
मेरे हिसाब से जो लगता है कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सो यू कैन राइट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. Computer is an electronic device. Online students, are you writing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज आप नहीं आए क्लास? सर घर पे हैं. चलिए ठीक है. ऑफलाइन मतलब नहीं आए. चलिए ओके. सो लेट्स राइट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा. रॉ समझते हो? मैं बस समझाऊंगा इसको, ठीक है? रॉ डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. रॉ डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी. विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड ऑल्सो स्टोर्स with speed and accuracy and also stores data temporarily or permanently. ठीक है? And also stores data temporarily or permanently. Clear है? Yes sir. तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, इसको मैं डिस्कस अब नहीं करूंगा. अब मैं आगे चलता हूं. दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब रॉ डेटा क्या होता है? कभी आप कुछ टाइप करते हो? यस प्लीज. रॉ डेटा मतलब जो अंडरस्टेबल नहीं है. सही बात है, एनालाइज होना, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा डेटा जो मीनिंगफुल नहीं है, दैट इज रॉ डेटा. जैसे मान लीजिए आपका नाम ही लिखना है, तो आप क्या डायरेक्टली किसी का नाम तो नहीं लिखोगे? आप पहले अपना नाम दोगे. जैसे मेरा ही नाम नीलेश है, तो मैं पहले एन एंटर करूंगा, फिर आई एंटर करूंगा, फिर कीबोर्ड से वन बाय वन एंटर करूंगा, और जब सारा का सारा एंटर हो जाएगा देन इट बिकम्स मीनिंगफुल. तो रॉ डेटा जो भी हम इनकम्प्लीट डेटा जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा. क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. क्लियर है? तो इसी को रॉ डेटा हम कहते हैं. इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब ये क्या हो गया? जैसे हम सपोज करो मुझे कुछ लेटर टाइप करना है, ठीक है? कुछ बच्चे को हंसी आ रही है, बेवजह आ रही है, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास. कुछ बच्चे को क्लास में मेरे बात को सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है कि आपको डिस्कशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी ऑप्शन मेरे पास है. या तो तुम ही एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे आके कि सबको बता दो, तुम्हारा ही काम हो जाएगा. बोलना है इतना, दोनों काम हो जाएगा, बच्चे भी कुछ सीख जाएंगे तुमसे. कुछ इंपॉर्टेंट हो तो सबको सुनाया करो ना, सबको अच्छा लगेगा. अच्छा चलो मेरा फ्रेंड कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताया है ना. खैर चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं. तो जैसे मैंने बोला आप कुछ भी काम एंटर कर, जैसे मुझे एडिशन ही करना है, मुझे एडिशन चाहिए था 5 + 6 का, तो हमने पहले 5 एंटर किया, फिर प्लस 1 एंटर किया, फिर हमने 6 एंटर किया, और जैसे इक्वल टू दबाया देन रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो इट बिकम्स मीनिंगफुल. हमने जो 1 by 1 एंटर किया था दैट इज रॉ डेटा. जैसे हम कुछ टाइप करते लेटर ही टाइप करते हैं, तो लेटर कब कंप्लीट होगा? जब पूरा का पूरा वो टाइप हो जाए. तो उसके लिए हम टाइप करेंगे ना पहले 1 by 1, एक एक वर्ड, एक कैरेक्टर के बाद एक एक वर्ड बनेगा, एक एक वर्ड सेंटेंस बनेगा, और तब जाके आपका लेटर टाइप हो जाए. तो वो जो टेम्पोरली आप टाइप कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा. क्लियर है? तो जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं रॉ डेटा देते हैं, वो उसे प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस क्या होगा? जो आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो, जिस तरह का आप रिजल्ट यानी जिस तरह का आप सॉल्यूशन चाहते हो, उसके आप एडिशन करना चाहते हो एडिशन करके देगा वो आपको, आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन देगा आपको, आप प्रोसेस ही करना चाहते हो डेटा ट्रांसफर ही करना चाहते हो वो भी करके देगा. तो ये सारा कुछ देगा आपको, तो ये प्रोसेसिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग. और उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा. कैसे? मीनिंगफुल आउटपुट के रूप में देगा. मीनिंगफुल मतलब जो आपके काम का होगा, जो आपके लिए अंडरस्टेबल होगा, दैट इज कॉल्ड मीनिंगफुल. क्लियर है? तो रॉ डेटा दिया, प्रोसेस किया, हमें मीनिंगफुल रिजल्ट दिया, है ना? तो अब जो बात आती है कि कैसे काम करता है कंप्यूटर, हाउ इट वर्क्स. तो सबसे पहले वो इनपुट लेगा हमसे. अच्छा एक बताओ, क्या कंप्यूटर बिना कहे कुछ काम कर सकता है क्या? नो सर. वो भी समझ सकता है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो समझ सकता है बहुत.
बट मैं उसकी बात नहीं अभी कर रहा, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रखो उसको, आजकल बहुत एडवांस हो गया, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं, अभी थोड़ा सा समझेंगे, जीरो स्टार्ट कर रहे हैं ना, समझेंगे। तो कंप्यूटर जो हमारा होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल और केवल हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, जो कमांड देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर काम करता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। आजकल रोबोट भी है उसका, ठीक, इसका उल्टा, जो मैं बोला उसका उल्टा काम करता है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाऊँ, मैं उस कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ जिस समय कंप्यूटर बना था, है ना। तो उस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो डिपेंडेंट हुआ करते थे किस पे, ह्यूमन बीइंग पे। आपने दो एंटर किया प्लस फैन भी एंटर किया, आपने फाइव भी एंटर किया, लेकिन जब तक आप इक्वल टू नहीं दोगे, एंटर नहीं दबाओगे, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन बीइंग। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे, तभी वो काम करेगा। यस सुनो, यस सर। कहने का मतलब ये हुआ, पहले हमने इनपुट दिया, तो अब कैसे कंप्यूटर काम करता है कोई बताओगे? हाँ, अब देखो सबसे वाला, जो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द वर्किंग प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, या वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटर का, और द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि वर्किंग प्रोसेस में बोलूं या मैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बोलूं, दैट इज सेम। बहुत सारे बुक में आपको वर्किंग प्रोसेस के नाम से मिलेंगे, बहुत सारे बुक में आपको फंक्शंस के नाम से मिलेंगे। फंक्शंस मतलब कंप्यूटर कौन कौन सा काम कर सकता है, वर्किंग प्रोसेस मतलब किस तरह से काम करता है। अब हम ह्यूमन बींग से रिलेट करते हैं उसको, हम भी तो फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं ह्यूमन बींग बताओ? खाते हैं, पहले तो सो के उठते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर सो के उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, पढ़ा थोड़ा यदि टाइम मिला तो, उसके बाद रेडी हुआ, कॉलेज गया, वहां भी पढ़ा, पढ़ते गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया, देन जैसे छुट्टी हुआ घर आया, फिर थोड़ा खेला कूदा, और उसके बाद फिर रात में पढ़ा, फिर से सेम प्रोसीजर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन, वो तो एक स्टूडेंट का मैंने लाइफ बताया, बट जो काम करते हैं सब अपने हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें कॉमन होती है। सोना सबके लिए कॉमन है, ये उनका फंक्शन है, बोलना उनका फंक्शन है, बातें करना चुपचाप, बच्चों जब सर टीचर पढ़ा रहे हो पीछे चुपचाप बात करना, ये भी स्टूडेंट का फंक्शन है, बट वी हैव टू कंट्रोल दैट फंक्शन। तो कहने मतलब ये सारा फंक्शन है किसका, लेकिन अब डिपेंड करता है उस सारे फंक्शंस को कब यूज करना है, उसको कंट्रोल भी तो करना होगा। तो उसके लिए फिर आपके कंप्यूटर के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे माइंड के अंदर भी क्या होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट ये सारे फंक्शंस हैं, है ना, खाना, टहलना, चलना, बात करना, ये सारे ह्यूमन बींग के फंक्शन। तो वैसे कंप्यूटर के भी फंक्शन, पहला तो इनपुट लेना, इनपुट लेगा तभी तो, जैसे हम लोग खाना खाते तभी तो कोई काम कर पाएंगे, तो कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो उसको इनपुट या इनपुट प्रोसेस, इनपुट ही कहते हैं उसको, या फिर इनपुटिंग भी कभी कभी लिखा होता है किसी को। उसके बाद क्या होता है, इनपुट दिया, हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले वो प्रोसेसिंग करता है, क्या करता है बच्चा, प्रोसेसिंग करता है, है ना। हमने जो इनपुट दिया उसको समझता है, उसके बेस पे समझता है करना क्या है एक्चुअली, और इनपुट के साथ हम क्या देते हैं बताओ, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि इस इनपुट पे आपको क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन भी हम देते हैं एज ए, वो सारा किसके थ्रू लेता है, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही लेता है। अब उसको इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बेस पे वो क्या करता है, उस पे प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। प्रोसेस कौन करता है, उसके लिए उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे हमारे पास ब्रेन है ना। अब मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हो, इट मीन्स मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखू, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातों को आप सुन रहे हो, तो दैट इज यू आर टेकिंग इनपुट एंड यू आर स्टोरिंग, बट आप समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, एंड देन यू आर रिप्लाइंग, सर हाँ ये ऐसा होगा वैसा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट या फिर रिजल्ट। तो कुछ इस तरह से कंप्यूटर भी काम करता है, आपने इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है, वो हमें रिजल्ट देता है आउटपुट। अब आउटपुट कैसे देगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो साउंड के फॉर्म में हो सकता है, हार्ड पेपर के फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, एमपी यानी कुछ भी, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो दैट इज अ आउटपुट। तो इस तरह इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है, लेकिन उसके अलावा हमारे
ह्यूमन के अकॉर्डिंग वो स्टोर भी करता है। अब जैसे आप बताओ, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे परमानेंटली या टेम्पोरली, ये बताओ। लेकिन ये बताओ मुझे, यदि आप यही चीज देखो, काम का चीजें पढ़ना है, एग्जाम देना है, तो टेम्पोरली नहीं परमानेंटली करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बच्चे टेम्पोरली करते हैं उनको दिक्कत होता है, एग्जाम में दिक्कत होता है ना, तो टेम्पोरली नहीं करना है। जैसे एबीसीडी आपने परमानेंटली स्टोर किया था पहले, तो कहने का जिस तरह से हमारे ब्रेन में भी स्टोरेज यूनिट है ना, कंप्यूटर में भी क्या होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, जहाँ पे स्टोरिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरिंग करते हैं। तो वैसे कंप्यूटर भी क्या करता है, जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, अब हमारे इंस्ट्रक्शन के बेस पर यदि हम चाहते हैं कि उसे परमानेंटली स्टोर करें, तो परमानेंटली स्टोर करता है, सेव करेंगे और कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में जाएगा। फिर हम टेम्पोरली चाहते स्टोर नहीं करते, वो ऑटोमेटिक जब तक है सिस्टम ऑफ हुआ खत्म। तो इस तरह से वो भी काम करता है। तो कौन कौन सा हो गया, पहला इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज। तो चार क्या है, सिस्टम के वर्किंग स्टेप्स हैं, वर्किंग प्रोसेस हैं या फंक्शंस। क्लियर है बच्चों? सो नाउ यू कैन राइट वर्किंग प्रोसेस और द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक याद मैं आपको बता, चलो कोई दिक्कत नहीं आपको लिखने में, ठीक है, मैं पीपीटी प्रिपेयर कर लूंगा, फिर आपको डिस्प्ले होगा अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। सो वर्किंग प्रोसेस मतलब क्या, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग तरह से भी एग्जाम में आता है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि एकेयू में क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग तरीके से, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, और मैं कंफ्यूजन का 100% या 0% भी नहीं होना चाहिए, होना है। चलो लिखो, पहला लिखोगे फर्स्ट स्टेप इनपुट, या कभी कभी उसको इनपुटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या कहीं कहीं इनपुट भी बोलते हैं, दैट इज सेम। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रोसेसिंग, क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, देन आउटपुट, या फिर उसको आउटपुटिंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है, आउटपुट या फिर आउटपुटिंग कहते हैं। क्लियर है? यस सर। एंड देन एट लास्ट, इफ यू वांट टू स्टोर योर रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, देन यू हैव टू सेव इन योर हार्ड डिस्क, सो दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग। लेकिन आप कहो ना कहो वो टेम्पोरली स्टोर करता ही है, जो कहां होता है, रैम में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपको फ्यूचर में भी देखना है, उसको यूज करना है, देन यू हैव टू स्टोर परमानेंटली, देन व्हाट यू विल डू, यू विल सेव इन योर हार्ड डिस्क और इन एनी ड्राइव, है ना। सो दैट इज स्टोरिंग भी ये करता है। तो लिख लो स्टोरिंग लास्ट केस। क्लियर है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप्स और दिस वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। यस प्लीज बोले, आप जो बताए जो रैम में स्टोर है, तो रोम में स्टोर होता है या रैम? देखो अभी, देखो अभी चीज है, ये सब चीजें ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन जब आप मेमोरी पढ़ोगे, सब लोग ध्यान से सुनो, जब हम मेमोरी बताएंगे तो वहां पे सारा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। पर सिंपल अभी ये समझो कि जो हम हमारे पास जो टेम्पोरी मेमोरी इसको बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका रैम, दूसरा होता है रोम। उसके ऊपर भी कैटेगराइजेशन होता है कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, उससे बात करेंगे आप। बट सिंपल सी बात, रोम जो है, आप जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारा रोम में होता है। कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करोगे इतना सारा होना ही है, तब जाके कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा। बाकी रैम जो आप टेम्पोरली स्टोर करते हो, वो सारा रैम में होता है। क्लियर है? इसको मैं बाद में जब मैं मेमोरी बताऊंगा वो सारा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस इतना समझो कि जो टेम्पोरी मेमोरी की तरह जो हमारा काम करता है वो रैम करता है। क्लियर? रोम जो है हमारा, वो भी टेम्पोरी मेमोरी है, वो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन वो भी कंप्यूटर जब तक ऑन है तभी तक काम करता है। या कंप्यूटर ऑन होने के लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को देना होता है, वो सारा आपको रोम में होता है। क्लियर है? फिर जैसे बंद करोगे वो भी शटडाउन हो जाता है। तो कुछ ऐसा होता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो अब मैंने बोला कि जो इनपुट प्रोसेस आपने देखा, वर्किंग प्रोसेस जो देखा, क्या क्या देखा,
इनपुट प्रोसेसिंग उसके बेस पे अब देखो वो इनपुट प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म करेगा बताओ, यानी कंप्यूटर हम लोग इनपुट कैसे सुनते हैं, बातों को सुना और उसमें कान होना चाहिए हमारे पास, हैवी हमारे पास हमने दिया है, तो कहने का मतलब वैसे कंप्यूटर के पास भी क्या होना चाहिए, इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइस होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए, वैसे जिस तरह से हम कंप्यूटर स्पीकर से आप गाना सुनते हो, स्क्रीन पे आप इमेज देखते हो, फोटोग्राफ देखते हो, वीडियो देखते हो, वैसे ही आउटपुट हम लोग भी तो देंगे, हम लोग भी कुछ बोलेंगे, गाना गाएंगे, कैसे गाएंगे, उसके लिए भगवान ने हमें आउटपुट डिवाइस भी दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी क्या है, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए जो आउटपुट शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा, उसके बीच में क्या है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के लिए भी हमारे पास भगवान ने ब्रेन दिया है ना, तो आदमी को देख के ही तो कंप्यूटर बना है, आदमी ने ही तो बनाया उसको अपने हेल्प के लिए, उसे भी उसने ब्रेन दिया, उसको हम कहते हैं सीपीयू है ना, तो वो उसका प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सारे सारा कुछ उस पर मैं ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको अपकमिंग सेमेस्टर में जब भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे या ओएस पढ़ोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पढ़ने से ज्यादा है कि रिविजन और याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 11 में, 12 में, 9th में, 10th में, क्या सारा कुछ याद है क्या? लेकिन अब जो पढ़ोगे उसको याद रखना होगा, ठीक है, तो कैसे करोगे, रिविजन से, प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों बताना, तो हमारा गो डाउन करो, गो डाउन कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हाँ लिखिए ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस और द फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस और द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स, a computer system requires, chalo theek hai, kya on the basis of working process or functions of computer, computer system requires following basic components, components kaun kaun se components chahiye, इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए, राइट डाउन, प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, तो पहला इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, इसको हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी, क्लियर है बच्चों, पहला हो गया आपका इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, क्लियर है सबको, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताया मैंने, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसमें किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो, अब हम लोग 5 मिनट आपके डाउट को देखेंगे, हाँ बताइए, देखो क्या है ना, जैसे सिंपल सी बात, देखो पहले हम लोग मेमोरी को क्लासिफाइड करते हैं तीन तरीके से रिलीज करते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा दो तरीके से, अब तीन तरीके से, पहला हो गया आपका जो उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा जो होता है आपका कैसे मेमोरी होता है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में जब आते हैं तो हम बात करते हैं फर्दर को डिवाइड करते हैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग टेम्पोरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें आते हैं दो तरह के टाइप हो गए आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल में क्या होता है, वोलेटाइल में रैम होता है और नॉन वोलेटाइल में आपका रोम होता है, ठीक है, लेकिन दोनों मेन मेमोरी है, क्यों मैं बताता हूँ, उसके बाद आपका जो सेकेंडरी मेमोरी में बात करते हैं तो वहां पे आपका आता है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी चीज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो भी होती है ना, हार्ड डिस्क हो गया आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करते हो, उसके बाद सीडी कैसेट हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव, ये सारे आपको सेकेंडरी में आते हैं क्योंकि ये सब परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब कैसे मेमोरी क्या होता है,
जो अपने कंप्यूटर को और भी फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे मेमोरी यूज करते हैं, सब क्यों यूज करते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बताऊं तो आई थिंक आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधे को नहीं आएगा, तो इसको जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। हाँ, अब आपका क्वेश्चन था कि सर दोनों को क्यों कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी मतलब जो पहले काम आता है या मेन मेमोरी मतलब जो सबसे पहले यूज में आता है। तो कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो ना तो जो सबसे पहला मेमोरी यूज में आता है वो है प्राइमरी मेमोरी। उसमें भी कौन सा है, पहले आपका रोम में आता है, क्योंकि जो भी जैसे सिंपल सी बात है ना, कंप्यूटर जो ऑन बटन दबाते हो तो बटन दबाते ही कुछ टाइम लगता है ना ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होने में। उसके अंदर भी क्या है, जब आप बटन दबाते हो और स्क्रीन डिस्प्ले होने से पहले इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो जो प्रोसेस के आगे क्या करना है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं। आपने बटन दबाया स्क्रीन पे आ गई, उसके बीच में जो भी कैसे क्या हुआ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सब का स्टेप्स कहाँ लिखा होता है, आपके रोम में लिखा होता है। ठीक है, अब वो क्या डिलीट होता है बताओ, डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा होता है उस रोम के अंदर ही होता है जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, लेकिन वो तभी काम करता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, यानी सबसे पहले ही वो यूज में आता है, इसीलिए उसको मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी वो बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे कंप्यूटर ऑन हो गया तो ऑन जब कंप्यूटर करते हो तो जितना हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारा कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसको लोड कौन करता है, वहां से उठा के रैम में लोड करता है, ये सारा इंटरनल प्रोसेस होता है। करने के लिए लाने के लिए सारा प्रोसेस कहाँ लिखा होता है, रोम के अंदर लिखा होता है। और जब रोम सारा फंक्शनलिटी को क्लियर कर देता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आता है, रैम में आता है, और तब जाके वो आपका यूजेबल बनता है। सबसे पहले बेसिक आइडिया ये समझो कि अब बताओ कंप्यूटर आपने ऑन किया तो सबसे पहला कौन सा मेमोरी यूज में आया, ये बताओ मुझे। रोम आया और रैम आया, दो ही मेमोरी आया ना, और इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। अब तो आप सर, हम ये भी बोल सकते हैं जो रोम हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है और रैम हमको डिस्प्ले नहीं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस जब आप ऑन करते हो ना हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आता है, वो लोड होता है आपके रैम में ही, और तभी काम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहाँ होता है, रैम में, दोनों हमारा मेन मेमोरी है। अब अभी जो क्वेश्चन पूछा देखो उसका क्या है, अब उसमें मैंने बताया आपको दो तरह के, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, रैम में आप जो भी यूज करते हो देखते हो खत्म, सिस्टम बंद किया सारा मिलेगा नहीं दोबारा आपको, तो वो वॉलेटाइल हो गया। लेकिन रोम में क्या होता है, डिलीट होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, डिलीट हो गया आपका तो नेक्स्ट टाइम ऑन होने में प्रॉब्लम होगी, फिर तो वो डिलीट नहीं होता है, इसीलिए उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब एक बार सिस्टम दे दिया रहेगा, लेकिन जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक, ऑन करने के लिए जरूरत है, जब भी ऑन करना होगा तभी जरूरत है उसको, तो इसीलिए उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। और ये आपका रैम क्या होता है, वॉलेटाइल, जैसे आप ऑफ करते हो ना फिर सारा हार्ड डिस्क हटके फिर चला जाता है, वहां से जो भी आपने काम किया टेम्पोरली सारा खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। वॉलेटाइल मतलब वो खत्म हो जाता है उसमें जो भी डेटा है, उसका डिस्प्ले वर्क नहीं हो सकता, डिस्प्ले वर्क नहीं बोलेंगे, डिस्प्ले वाला चीज है। देखिए कुछ चीजें, अब देखो डिस्प्ले हम बोलने का उससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, सिंपल सी बात बोलो, कंप्यूटर को रनेबल बनाने के लिए, कंप्यूटर को रनेबल मतलब क्या, काम करने लायक बनाने के लिए फिर रैम जरूरी है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए रोम जरूरी है, ये समझ गए। तो हाँ, रैम होगा इसीलिए आपके सिस्टम में रैम भी होना चाहिए। अब पूछोगे एक चीज और, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर हम रैम तो लिखते हैं कितना, 4GB यूज करते हैं, 8GB यूज करते हैं, 2GB यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो 4GB का खुद होता है, 8GB का होता है, 10GB का, तो कैसे पूरा का पूरा आ जाएगा, एक ये भी कंफ्यूजन होगा आपके। तो ये भी जो सुनो बच्चों, जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे इसका आंसर पढ़ोगे, मैं फिर भी एडवांस में बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, तो जो नेसेसरी चीजें होती वही रैम में आती है, पूरा पूरा ओएस नहीं आता है, ओएस जो नेसेसरी चीजें होती है कंप्यूटर को काम करने के लिए वही चीजें केवल आपके रैम में आती है, लेकिन ओएस का ही पार्ट होता है, इसीलिए कहते हैं ओएस कोड बनाओ। ठीक है, तो जब आप 4GB का रैम है तो 1GB आप देखते होंगे कि वो जब ऑन करते हो तो आपका ओएस ही ले लेता है, फिर जो बचा उसमें आप बाकी काम करते हो, जितने भी एप्लीकेशंस ओपन करते हो सारा कहां जाता है, रैम में काम करते, जो भी आप काम करते हो। हाँ, जब आप सेव करोगे या सेवेज करोगे तब जाके वो जाता है हार्ड डिस्क के टाइप। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, आई होप कि मोस्ट ऑफ द डाउट आपका क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग चलेंगे
आगे देखेंगे इसके बारे में, जनरेशन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगले क्लास में बेचिए, आज मैं बस कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है, ऐसे डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बच्चों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। नहीं, मैंने क्या बोला, तो टेम्पोरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी सारा एक ही चीज है। उसके अंदर फिर हम आते हैं तो वोलेटाइल अनवोलेटाइल होता है। तो वो रोम आपका हो गया नॉन वोलेटाइल, रैम हो गया वोलेटाइल। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं मेमोरी टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर्स में वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप एक काम करोगे, आप कंप्यूटर में जाओगे, एक सर्विसेज जहाँ पे ऑन जो काम करती है, आप जाओ कंट्रोल पैनल के अंदर जाओगे, वहां मैं बता दूंगा कभी, जब ब्रेकर ऑन होगा तो दिखा दूंगा। वहां पे जितने भी एप्लीकेशन काम कर रहे हैं सबका वहां पे शो करता है, कितना स्पेस लिया है, कितना कितना परसेंटेज वो यूज करा है सीपीयू को, सारा बताता हूँ। तो वहां पे आप देख सकते, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते कितना लेंगे। और एक चीज बताओ, आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो बहुत सारा चीज होता है, कंप्यूटर ऑन करने से वही नहीं, आपका फैन चल रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, आपका स्क्रीन ऑन होता है जब तक आप चाहते हो, और बहुत सारा काम हो रहा होता है इंटरनली। क्यों? देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए तो जरूरी है, साथ में कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी जूम खोल के रखा हुआ है, हमारे एप्लीकेशन हो गए। लेकिन कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए भी बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर, जैसे फैन चलता हो। क्यों फैन चलता हो? कि प्रोसेसर गर्म ना हो, स्क्रीन आपका जलता रहे जब तक हम चाहें ऑफ ना करें, ये सारा इंटरनली प्रोसेस भी होते रहता है। ये सारा चीज जो है आपका, ये भी रैम में जगह लेता है, ये भी रैम में स्पेस लेता है। आप कुछ भी काम करो तो रैम में ही पहले वो यूज होता है। कोई एप्लीकेशन ऑन करोगे ना, वो सबसे पहले रैम में स्टोर होगा, आ जाएगा और वहां से, ठीक है। तो 4 GB रैम में हम लोग, आप बताइए, देखिए अब रीजन ये एक चीज, पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर आपका कितने जीबी का होता है बताओ। जो भी, यदि रैम का साइज आपका छोटा है और वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, पहली बात वो सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा एक बार में नहीं आता है, जिसका जब जरूरत होता है वही पार्ट आता है, बाकी सारा चला जाता है वापस, ऐसे होता है। वही चीज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 8 GB 10 GB होता है सपोज मान लीजिए, उस केस में जब आप ऑन करते हो तो रैम का 4 GB है। तो कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए जो आपके कंप्यूटर में जो फंक्शन है उसके बेस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वही 2-4 चीजें लोड होती है, बाकी लोड नहीं होता है, कम स्पेस में काम हो गया। फिर मान लीजिए उसका जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हट जाएगी, सारा आपको नहीं मैनेज करना होता है, वो सारा इंटरनली मैनेज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मतलब पूरा का पूरा ओएस नहीं, पार्ट ऑफ ओएस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मैं चेक भी करूंगा, मैं क्वेश्चन भी करूंगा, कभी पूछ भी सकता हूँ। So be prepared. और बहाना नहीं।